मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जो हमारे लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, हम उनका डिफरेंशिएशन सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सम लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक, जो आपने क्लास 11th में भी की थी। लॉग की जो लिमिट्स होती हैं, जो हम यूज करेंगे, दे विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई। फर्स्ट ये रहेगा हमारा लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू रहेगी ई। नेक्स्ट रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ ई 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स आ जाता है, वो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद है लिमिट e रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। ये भी आपने 11th में किया हुआ है, लिमिट ऑफ e की पावर x माइनस 1 बाय x इज 1। आफ्टर दैट द लास्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log। ठीक है, ये कुछ हमने लिमिट्स जो थी लास्ट ईयर क्लास 11th में की थी, तो इनको यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन के हमारे फॉर्मूलेज रहेंगे। दे विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर इसका जो बेस है वो ए हो, ठीक है, लॉग का बेस अगर ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाय एक्स एंड log of e base a। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसमें क्या करना है। log of x का क्या होएगा, 1 बाय x, और जो हमारा बेस था वो a है, तो log of e base to the base a। अगर हमारा यहाँ पे नेचुरल log आ जाता है, मतलब बेस a की जगह वी हैव log of x, मतलब यहाँ पे हम e लिखें या ना लिखें, वो अंडरस्टूड होता है कि ये नेचुरल लॉग है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय एक्स। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे लॉग ई टू द बेस ई, ये तो हो जाता है हमारा 1, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लॉग ई बाय लॉग ई दैट इज 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आंसर हमारा क्या आ जाता है, 1 बाय एक्स। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारा ए रेज टू पावर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। इसको क्या बोला जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल, सॉरी ये हमारा जो है ये पावर जो है इसमें एक्सपोनेंट में गई हुई है, जो एक्स है हमारा वेरिएबल। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आएगा ए की पावर एक्स एंड लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये ऐसे है, ये जो ई है ये इसका बेस है, नेचुरल लॉग ए। इसके बाद आता है डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ई की पावर एक्स। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जस्ट यही है हमारे, अगर बस ये होता है, अगर यहाँ पे हमारा ई की पावर एफ एक्स होता है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है ई की पावर, मान लो यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है log of, जैसे एफ एक्स है यहाँ पे, मतलब सिंपल एक्स ना होके कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर एफ एक्स लिख के इस फंक्शन का फिर डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, ये तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ही हो जाता है, पहले e की पावर एफ एक्स लिखा, फिर जो एफ एक्स है उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, इसको अलग से लिखने की नीड नहीं है, एक इसी तरह से होता है। अगर हमें ऐसे दिया हुआ है log of एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से e से जो log है वो कैंसिल हो जाता है हमारा, और वैल्यू जो है वो एफ एक्स आ जाती है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, ये वाले जो फॉर्मुलेज हैं ये आपके यूज होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा इफ वी डू द क्वेश्चंस। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन,
पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। a की पावर 7x + 4, ये हमारा y है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमें क्या करना है, इसका dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx। तो ये है हमारा a रेज टू पावर x। अगर हम इसका d बाय dx करते हैं तो वो क्या आता है, a की पावर x एंड log ऑफ a। ठीक है, इस तरह से आता है। तो ये क्या करेंगे हम, a की पावर x एज इट इज log ऑफ a, एंड ये जो फंक्शन है हमारा इसका भी डेरिवेटिव करना होगा, तो d बाय dx ऑफ 7x + 4। तो इट बिकम्स a रेज टू पावर 7x + 4 log ऑफ a, एंड 7x + 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 7। तो योर आंसर इज, ये जो हमारा 7 है ये आगे आ जाएगा 7 log a रेज टू पावर 7x + 4। लाइकवाइज ये हमें ऐसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन एक और है, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम लॉग को सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ मान लो एक्स दिया हुआ है, तो इसका ये देखो बेस जो है यहाँ पे ई अगर नहीं दे रखा तो नेचुरल लॉग है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। अगर हम डी बाय डी एक्स करते हैं इसका, ये भी डी बाय डी एक्स बताया था, तो वो होता है 1/x। तो 1/dy/dx ये हो जाएगा 1/ में साइन इनवर्स x। इसके बाद क्या रह गया, ये जो फंक्शन है हमारा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इसका डिफरेंसिएशन रह जाएगा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंसिएशन हमें पता ही है, पुट करेंगे इधर 1/ में 1 - x² का अंडर रूट। ठीक है, और x का डिफरेंसिएशन कितना है, 1 ही होएगा वो। तो मान लो यहाँ पे हमारी कोई x की पावर होती, x का स्क्वायर, 2x, 3x कुछ होता, यहाँ भी अगर हमारा x का फंक्शन होता तो उसका डिफरेंसिएशन ले लेते, अदरवाइज ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज y is equal to under root of e and raise to power x। देखो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, e की पावर रूट एक्स और इसका पावर 1/2, दिस इज योर y। तो dy by dx अगर हम निकालते हैं तो क्या होएगा, सबसे पहले ये जो किसी भी नंबर की पावर 1/2 है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 आ गया, e की पावर रूट एक्स और पावर -1/2 हो जाता है, उस तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में आ गया और उसका रूट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या रह गया हमारा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अभी तो हमने ये एक फंक्शन है एक्स का जिसकी पावर 1/2 है उसको सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर रूट एक्स। अब e की पावर x अगर हो तो इसका डिफरेंसिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x इज सेम, तो ये आ जाएगा e की पावर रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का डिफरेंसिएशन रह गया हमारा, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका डिफरेंसिएशन आपको पता ही है 1/2, एंड x की पावर -1/2, दैट इज ये x हमारा नीचे आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो ये आ गया हमारा 2 × 2 = 4, 1/4, e की पावर रूट एक्स आपका न्यूमिरेटर में है और नीचे आपका ये रूट एक्स इंटू में रूट ऑफ ई एंड रूट एक्स। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, सबसे पहले हमने इस फंक्शन की पावर 1/2, मतलब एक्स का कोई फंक्शन है जिसकी पावर 1/2 है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फिर डिफरेंसिएशन लेना हमें इस फंक्शन का, इस फंक्शन को ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फिर डिफरेंसिएशन हमें रूट एक्स का लेना है, एंड लाइकवाइज कंबाइन करके वी विल गेट अवर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन लॉग ऑफ
थ्री एक्स, ये हमारा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है ये, साइन ऑफ साइन लॉग ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, सबसे पहले इस साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारा एक्स है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, साइन का जो थीटा है वो थीटा आ गया, कॉस थीटा। इसके बाद डी बाय डी एक्स रह गया हमारा इस थीटा का, ओके ये रह गया हमारा, तो कॉस ऑफ साइन लॉग ऑफ थ्री एक्स ये एज इट इज चलेगा। अब डी बाय डी एक्स इसका लेना है हमें, तो साइन एक्स, साइन थीटा मतलब जो होता है साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कॉस ऑफ थीटा, फिर हमारा डिफरेंशिएशन किसका रह गया, थीटा का, थीटा ये था ना हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में ये एज इट इज चलता रहेगा, ये भी एज इट इज आ गया, कॉस ऑफ लॉग ऑफ थ्री एक्स। नाउ लॉग के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन लेना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय, बेस इसका ई है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाय में एक्स, तो वन बाय में थ्री एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया हमारा, इस थ्री एक्स का, तो थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या आएगा, थ्री आएगा, तो उस थ्री को मैं आगे लेके जा रही हूं, थ्री कॉस साइन लॉग ऑफ थ्री एक्स कॉस लॉग ऑफ थ्री एक्स, एंड ये आपका वन बाय थ्री एक्स है, जो थ्री से थ्री कैंसिल, बाकी आपका आंसर है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, इसको लाइन बाय लाइन लेना होता है, पहले साइन के अकॉर्डिंग किया, साइन थीटा तो कॉस थीटा हो गया, अब इस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये चलता रहेगा। अब साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ये चलता रहेगा आपका। अब लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, वन बाय एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे थ्री एक्स का, थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, एंड बाकी और आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, 1 प्लस 4 की पावर x। अब ये इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस थे हमने जब किए थे, तो मैं इसमें बता रही थी कि हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसी कोशिश करनी होती है कि अंदर जो है वो हमारा कैंसिल हो जाए, साइन का ही फंक्शन बन जाए। ठीक है, कुछ ऐसा पुट करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 2 की पावर x इंटू 2, 1 प्लस 2 की पावर x एंड 2 की पावर x। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सर 2 की पावर 2x, 2 का स्क्वायर ये 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, 2x को 2 की पावर जो x है उसको हम टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड ये पता है आपको किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 थीटा, थीटा क्या होएगा यहां से, टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x, तो पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू पावर x, ये y हो चुका है। ठीक है, अब इस y का हमें, y है हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x, और इस y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन रह गया d बाय dx ऑफ 2 की पावर x, ये रह गया हमारा, अभी ये हो जाएगा 2 बाय में 1 प्लस 4x, 4 रेज टू पावर x, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x रह रहा है हमारा,
ये क्या होता है हमारा a रेज टू पावर x log ऑफ a, ठीक है, ये होता है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो a रेज टू पावर x log ऑफ 2, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। लाइकवाइज ये हमारा आंसर आ गया, ये देखिए 2 और 2 की पावर x, इनको कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई, मल्टीप्लीकेशन में पावर एड हो गई, साथ में log ऑफ 2 और नीचे है आपका 1 प्लस 4 की पावर x। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे किया है मैंने, दीज वर द फॉर्मूलाज जो हमने यूज किए थे। तो साइन इनवर्स में हमने क्या किया, 2 की पावर x को टेंजेंट थीटा पुट करके एंड हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है जस्ट इसी टाइप का है, उसमें है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x बाय में 1 प्लस 36 एंड पावर x। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2 की पावर x 2 और 3 की पावर x 1 प्लस, ठीक है, देखो ये क्या हो गया हमारा, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36 को, और इनको कंबाइन करके ये हमारा हो जाएगा 2 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, 6 की पावर x 1 प्लस 6 स्क्वायर पावर x। अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बस इसके बाद आप कर ही सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, एंड लाइक वाइज इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस है मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले dy बाय dx जो हम निकालना है, log ऑफ फंक्शन ऑफ x, log ऑफ x जो होता है, ठीक है, बेस इसका e माना जाएगा, नेचुरल log है, तो log ऑफ x जिसका बेस e है वो क्या होता है, 1 बाय x, ये होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय x, ये x है 1 बाय x, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका रह गया, ये x का, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये हमारा एज इट इज चलेगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर पावर 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 आगे आ जाएगा एंड इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 हो जाएगी, दैट इज डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का फंक्शन आ गया ये। अब इसको क्या कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया, इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका रह गया हमारा, ये 1 बाय 2 हो गया इसका, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होएगा वो क्या होएगा, 2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, मैं इसका एलसीएम ले रही हूं अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये चल रहा है आपका 1 बाय में एक्स प्लस, ये सॉरी 1 की जगह क्या हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल हो गया एज इट इज एंड योर आंसर इज 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या किया, लॉग ऑफ एक्स 1 बाय एक्स हो जाता है। अब इस x का डिफरेंशिएशन करना था, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, ठीक है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो फंक्शन है 2x आ गया, a का तो 0 हो जाता है, तो हमने अंदर एलसीएम ले लिया, कैंसिल हो गया एंड दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू e की पावर x log ऑफ x बाय में साइन x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाय dx ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज एंड d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन रूल होता है, इसको अप्लाई किया तो साइन x एज इट इज इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x प्लस log x का हो जाएगा 1 बाय x माइनस e की पावर x log x एज इट इज, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos of x एंड नीचे आपका साइन स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे हमारा 3x है, ये 3x हो जाएगा साइन ऑफ 3x, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x एंड 3x का डिफरेंसिएशन क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये है हमारा साइन स्क्वायर 3x। नाउ मूविंग ऑन, यही हमारा कुछ आंसर रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, x रेज टू पावर e बाय x करके, और इस x को डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं टेकिंग द एलसीएम। तो वैसे ही हमारा आंसर आ चुका है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।